नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत मित्रा है और आप लोग देख रहे हैं एसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपको दिखाएंगे एक फ्लोर मॉनिटर जो कि एक्टिव है और ये बेटा 3 कंपनी से है। इसका मॉडल नंबर है T15A। इसका वोल्टेज है 1100। हम लोग ये जो पीस है इसका भी हम लोग टेस्ट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे पूरा मॉडल और माइक्रोफोन के साथ भी हम लोग उसको करके दिखाएंगे कि उसमें व्हिसल का या सिटी का जो प्रॉब्लम आती है नॉर्मली वो आ रहा है कि नहीं, और उसका वोकल का जो क्लैरिटी है वो भी हम लोग चेक करके आपको दिखाएंगे। उसका फ्रंट भी दिखाएंगे, उसका बैक साइड भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं बीटा 3 का T15A जो कि फ्लोर मॉनिटर है एक्टिव। तो दोस्तों, ये है बीटा 3 का थंडर सीरीज का एक्टिव फ्लोर मॉनिटर, जिसका मॉडल नंबर है T15A और इसका वोल्टेज है 1100। इसके बाद हम लोग आपको पहले आप लोगों को पूरा ये दिखाएंगे, स्पीकर दिखाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को साउंड चेक भी करवाएंगे। तो अभी थोड़ा हम लोग पीछे साइड में देखेंगे और बैक साइड में भी देखेंगे एग्जैक्टली कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लैंप करने के लिए है, बोथ साइड में है, आप इसको क्लैंप पे भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये खुल जाता है ये नीचे, और ये आप जब एज ए फ्लोर मॉनिटर यूज करेंगे तो ये काम आएगा आपको, ये थोड़ा एंगल दे देगा आपको। और यहाँ पर पकड़ने के लिए ये हैंडल भी है और प्लास्टिक का कैबिनेट है, प्लास्टिक नहीं, ये RBS है एक्चुअली, काफ़ी मजबूत है और फिनिशिंग बहुत ही स्मूथ है इसका। अभी थोड़ा बैक साइड में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे दिखता है। ये मॉडल नंबर है T15A थंडर सीरीज, 15 इंच का एक्टिव लाउड स्पीकर है, 1100 वाट। अभी ये जो है हम लोग इसको ऑन करेंगे और देखेंगे इसका LED वगैरह कैसा दिखता है। ये वॉल्यूम है, ये पावर ऑन होने के बाद ये जल जाएगा, ये सिग्नल और ये क्लिप, और इसमें आप लो कट भी कर सकते हैं, फ्लैट भी रख सकते हैं और म्यूजिक मोड पर भी रख सकते हैं। फ्लैट जब भी मतलब बहुत सारे सिंगर हैं जिनको वोकल मॉनिटरिंग के लिए फ्लैट सही होता है तो वो फ्लैट यूज़ करेंगे। और दो टाइप का ये दिया हुआ है, एक लाइन का है, एक माइक का है, जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है मिक्स आउट और ये है इसका मेन पावर सप्लाई और ये ऑन ऑफ स्विच है। अभी दोस्तों हम लोग ये माइक्रोफोन इसके अंदर डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग माइक्रोफोन के साथ इसको ऑन करके देखेंगे। अभी हम इसका स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद ये पावर का LED ऑन हो गया। ये स्क्वायर अच्छी बहुत मतलब क्वालिटी अच्छा है इसका LED का। ये म्यूजिक मोड में हमने दे रखा है और ये माइक सिलेक्ट करके रखा है, इसके लिए ये माइक का लाइट जल रहा है, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा आवाज़ कुछ माइक्रोफोन में बोल के देखेंगे ये एग्जैक्टली कैसे आता है। अभी इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक। अभी हम लोग इसके सामने जाएंगे और देखेंगे कि इसमें फीडबैक आ रहा है कि नहीं, हेलो चेक चेक चेक। अभी करीबन करीबन एक हाथ दूर में हम लोग मैं खड़ा होकर आपके ये बात कर रहा हूँ और देखिए कोई फीडबैक नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें वो सिटी का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अच्छा वोकल मॉनिटर का यही एक निशानी होता है कि उसमें फीडबैक नहीं आता है। और आप लोग अभी देख सकते हैं मैं बिल्कुल पास में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और कोई फीडबैक इसमें नहीं है। अभी इसके अंदर थोड़ा हम लोग म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे कि इसका वोकल का क्वालिटी कैसा है, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इसका साउंड क्वालिटी क्या है। अभी दोस्तों हम लोग थोड़ा मोबाइल से इसके अंदर थोड़ा म्यूज़िक का इनपुट देंगे, हाँ, और देखेंगे। अभी स्विच ऑन कर लेते हैं इसको, स्विच ऑन करने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम देना है, उसके बाद हम लोग म्यूज़िक प्ले करेंगे। म्यूज़िक प्ले किया है, क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी बहुत अच्छा है। वोकल मॉनिटर का सबसे खासियत यही होती है अच्छे मॉनिटर की, उसकी वोकल का क्लैरिटी होना चाहिए।
तभी वो अच्छा वोकल मॉनिटर माना जाता है। आप सुन सकते हैं कि इसका वोकल का साउंड का क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। दोस्तों आपने अभी देखा बेटा 3 का एक्टिव फ्लोर मॉनिटर जो कि वोकल मॉनिटर है 1100 वाट का। तो आशा करते हैं आपका आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस तरह का वीडियो रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू।